और अगर आप फ्री में BMS करना चाहते हैं फ्री में, तो फ्री में भी कर सकते हैं। अगर मैं इसकी फ़ीस की बात करूँ तो इसकी फ़ीस है, तो भाई अभी ये BMS करने जा रहा है, डॉक्टर बनने जा रहा है, यूनानी वाला डॉक्टर फर्जी। तो आज मैं जा रही हूँ मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज में BMS की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको फ्री में BMS करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं सारी इन्फॉर्मेशन फ़ीस की, एडमिशन की और क्या प्रोसेस है फ़ीस का, वो सब कुछ मैं इसमें बताऊँगा। तो ये कॉलेज है और ये इसका एंट्रेंस गेट है, सामने कॉलेज दिखाई दे रही है, यहाँ से हम इसको सीधे अंदर जाएंगे। तो ये जो कॉलेज है ये है हकीम रईस यूनानी मेडिकल एंड हॉस्पिटल, ये कॉलेज का नाम है। अगर आपको BMS करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, BMS करने के लिए बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ का हॉस्पिटल काफ़ी, लाइक यहाँ पे हॉस्पिटल में काफ़ी मरीज आते हैं, तो हॉस्पिटल अच्छा है यहाँ का, और ये संभल के पास में है। अगर मैं इसमें हॉस्टल की बात करूँ तो इसमें हॉस्टल अभी बन गया, अभी हॉस्टल है नहीं, तो हॉस्टल का भी है। और इसमें जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो है लगभग 10,000 रुपये है, वो आपकी वापस हो सकती है अगर आपके काउंसिल के थ्रू अगर नंबर नहीं आता है तो वापस हो सकती है। और जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो पर ईयर की 25,000 रुपये है। ये फर्स्ट फ्लोर इसका हॉस्पिटल का है, पेशेंट्स वगैरह जो है वो नीचे हैं, ये खाली पड़ा है फ़िलहाल। बट आपको एडमिशन लेने के लिए नीट में ज़रूर बैठना होगा, और नीट में अगर जर्नल से हैं आप तो कम से कम 100 से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि जो लास्ट टाइम था वो 113 नंबर, अगर 113 नंबर आए थे जिसका उसका एडमिशन होता है, ये साल हर साल वेरी करता है। तो लास्ट टाइम ऐसा था जिसके 113 नंबर थे उसका काउंसलिंग में हो गया था, प्राइवेट में एडमिशन ले सकता था वो। और अगर कोई कोटा वाला है EWS का है तो उसका 99 पे हो गया था, और अगर OBC ST वाले हैं तो उनका 85 नंबर तक काउंसलिंग के थ्रू हो जाता है प्राइवेट कॉलेज में। और आपको पता ही है कि इसके लिए आपको हाई स्कूल में उर्दू होना मस्ट है, तभी इसका एडमिशन होगा। अगर मैं इसकी फ़ीस की बात करूँ तो इसकी फ़ीस है 2,04,000 रुपये पर ईयर, और 4 साल आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, जिसमें 3 साल तक की सेम फ़ीस है, मतलब 3 साल आपको 2,04,000 सबमिट करने होंगे, और जो लास्ट में होंगे उसमें 3 लाख आपको, 3,06,000 रुपये आपको जमा करने होंगे लास्ट वाले ईयर में, क्योंकि 4 साल का है और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होगी, तो ये 5 साल का है, लगभग 5.5 का हो जाता है। और अगर आप फ्री में BMS करना चाहते हैं फ्री में, तो फ्री में भी कर सकते हैं। अब फ्री में ऐसा हो सकता है, अगर आप एजुकेशन लोन लेके आना चाहते हैं तो ये उसकी लाइक फैसिलिटीज़ देते हैं, इसमें आपको लाइक परमिशन लेनी होगी, बाकी सब जितने भी लोन का प्रोसेस होगा एजुकेशन लोन का वो सारा कुछ यही हैंडल करेंगे, और आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, वो जो बैंक के थ्रू आपका पैसा कट जाएगा। तो लोन में जो है कि आप फ्री में अपना एडमिशन ले सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा अमाउंट पे करना होगा, जो डाउन पेमेंट कहलाती है स्टार्टिंग में, वो आपको देनी होगी। वैसे इसकी बिल्डिंग इतनी देखने में कुछ है नहीं, ज़्यादा ख़ास नहीं है, मैं तुम्हें दिखा दूँगा सब कुछ इसमें, और ना ही यहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं। अगर आपको BMS में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ भी ले सकते हैं, मैंने सारी डिटेल बता दी आपको क्या क्या करना होगा और कैसे एडमिशन लेना होगा, क्या फीस का प्रोसेस है, और आपका लोन के थ्रू भी इसमें एडमिशन हो सकता है। अब वो आपके डिपेंड है, आपको लाइक पेमेंट करनी है या फिर लोन के थ्रू करना है, सारा कुछ मैंने बता दिया है। ये आप बाहर से देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, यहाँ पे गार्डन भी है, और ये यहाँ का इसका हॉस्पिटल है अंदर, इधर यहाँ पे ये हॉस्पिटल है, मतलब अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं लास्ट टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मरीज़ थे, तो ये कुछ इस तरह इसकी बिल्डिंग है। बट इसमें आपको नीट का एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है, और नीट के एग्ज़ाम में मतलब कास्ट के हिसाब से जो भी है आपका OBC है, जनरल है, या फिर EWS जो भी कोटा है उसके हिसाब से आपके मार्क्स डिपेंड करता है, और ये हर साल अलग अलग तरीके से, लाइक कभी 10 पे भी हो जाता है, कभी 110 पे हो जाता है, कभी 105 पे हो जाता है, कभी 100 पे हो जाता है, इस तरीके से उन्होंने बताया, इस तरह से एडमिशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 10,000 है, और एग्ज़ामिनेशन फ़ी 25,000 है, और साल की 2,04,000 फ़ीस है इसकी, और 3 साल तक आपकी 2,04,000 फ़ीस सबमिट होगी, और लास्ट का जो ईयर है मतलब 14 साल, उसमें 3,06,000 रुपये सबमिट होगी, 1 साल की इंटर्नशिप रहेगी वो फ्री रहती है। रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है वो रिफंडेबल है, अब कब वापस हो सकता है अगर आपका नहीं होता है तो एडमिशन। और कुछ और भी प्रोसेस अगर आपको जानना है, हॉस्टल यहाँ पे बन नहीं रहा है, हॉस्टल मैं आपको दिखाता हूँ, इसके हॉस्टल की बिल्डिंग है।
ये सामने हॉस्टल बनना है इसका, ये इसकी क्लास है। तो ये कॉलेज है, आपने देख लिया कॉलेज कैसा है, अगर अच्छा लगा तो यहाँ पे एडमिशन लेना। हकीम रईस यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो इसका नाम है हकीम रईस यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो यहाँ पे आप अपना एडमिशन ले सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई फ्री में भी कर सकते हैं, लोन के थ्रू एजुकेशन लोन ले सकते हैं। वो उसका करा देंगे, ये खुद ही सब कुछ ये करा देंगे, कॉन्टैक्ट वगैरह, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको थोड़ी बहुत डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, लगभग 50,000 भी हो सकता है, वो कितना भी हो सकता है, 1,00,000 से 1,00,000 तक आप दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।